का बुलावा सभी सांसदों को पहुंचा है, जहां पर बीजेपी के सभी सांसद चाय पर चर्चा के लिए शामिल होने वाले हैं। पीएम आवास पहुंचे अमित शाह, जेपी नड्डा, जैसा कि हमने आपको कुछ घंटे पहले तस्वीर एक दिखाई थी जब जेपी नड्डा अपने आवास से बाहर निकल रहे थे, और अब नए सांसदों का पीएम आवास पहुंचना जारी है। बारी बारी से वो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है जहां पर तमाम जो सांसद हैं वो पीएम आवास पहुंच रहे हैं। चाय पर चर्चा शुरू होने वाली है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि आज का पूरा दिन जिस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है पूरे दिल्ली में, वहां पीएम शपथ के पहले सांसदों को चाय पर बुलाया गया। अपने आवास पर सांसदों से नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करने का जो मुख्य सार है वो यही है कि आज जिस तरीके से जो जो विभाग तय किए गए हैं, जिन जिन सांसदों को कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है, उनके लिए तो वाकई में बहुत ही खास दिन है। और जाहिर सी बात है कि अपनी जिम्मेदारी को, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जिस तरीके से आज जो सांसद हैं वो आज पीएम आवास पहुंचने वाले हैं, 11:30 बजे चाय पर चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी ने सभी को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत होने के आसार बने हुए हैं। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सियासी सरगमी इस वक्त बनी हुई हैं, सियासी हलचल जो हो रही हैं, क्योंकि आज चाहे वो जेपी नड्डा के आवास की तस्वीरें हों, चाहे पीएम आवास की तस्वीरें हों, या फिर राजभवन के पास किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? हम देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा के लिए सभी सांसदों को बुलाए हैं, और धीरे धीरे सभी का बारी बारी से पहुंचना शुरू हो चुका है। विनीत, जी रीनू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के आवास पर हूं मैं यहां पर, और इस वक्त यहां पर जो लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं, राजनाथ सिंह जो है वो आने वाले हैं, इसके साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहुंच गए हैं, हरदीप पुरी जो है वो आ गए हैं, सर्वानंद सोनोवाल आ गए हैं, जितिन प्रसाद आ गए हैं, बीएल वर्मा आ गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें चिराग पासवान जो है वो आ गए हैं, इसके साथ ही साथ जितिन प्रसाद जो है वो आ गए हैं, सर्वानंद सोनोवाल जो है वो आ गए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर हम यूपी मध्य प्रदेश से बात करें तो यह बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भी जो है वो भी पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पर यहां पर जो कई लोग हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शपथ लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज शाम को राष्ट्रपति भवन में, वो यहां पर पहुंच गए हैं, और वो जो है वो भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके यह साफ तौर पर कहा था और यह बताया था कि शुभ समाचार जो है वो आने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि गया जी के लिए शुभ समाचार है, बिहार वासियों के लिए शुभ समाचार है। इसका मतलब है कि जीताराम मांझी जो है वो भी आएंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि 12 बजे जो उन्होंने ट्वीट किया उसे 12 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया है। इसका मतलब यह है कि 12 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे का जो है वो टाइम दिया गया था, सबको पहुंचने का टाइम दिया गया था, सब एक जगह जुटेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं मोदी 3.0 का जो विजन है उसके बारे में अपने जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस विजन से जो है वो आगे बढ़े। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा रीनू की, अगर हम बात करें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में भी बात कही थी, लगातार वादा किया था, और उसमें साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से जब वो उनका तीसरा कार्यकाल होगा उस वक्त भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक शुरू होगी, 12 बजे जो बैठक शुरू होगी उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मंत्रिमंडल के जो होने वाले सहयोगी हैं उनके साथ जो है वो अपना विजन जो है वो तय करेंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है वो भी पहुंच गए हैं, वो भी जो लोग जिन्हें चाय पर बुलाया गया है, और हम कह सकते हैं कि जिन्हें शाम में मंत्रिमंडल का शपथ लेना है उन्हें बुलाया गया, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम शामिल है। राव इंद्रजीत जो है वो भी इस बैठक में आ गए हैं, हर गुड़गांव से आते हैं, 2014 में भी उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया था, 2019 में भी वो मंत्री बने थे, और इस बार मोदी 3.0 में भी वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसके साथ ही साथ सहयोगी दल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे ये सभी व्यक्ति जो है वो भी शपथ लेंगे साथ में। जी बिल्कुल, बहुत खास ये मौका है पूरा, और जाहिर सी
सी बात है कि इस वक्त जो हलचल है वो काफी तेज है। हम देख पा रहे थे कि जेपी नड्डा कुछ देर पहले ही अपने आवास से निकले थे और अब जानकारी है कि पीएम आवास पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने तमाम नामों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश से भी कुछ खास नाम है, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। क्या किसी महिला सांसद की भी खबर मिल रही है विनीत? जी, हालांकि अगर अभी मध्य प्रदेश से बात करें तो महिला सांसद के जो नाम है वो तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम महिलाओं के नाम करें तो उसमें मैं कमलजीत सहरावत दिल्ली से जीत करके आई हैं, वो मंत्री बन सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें झारखंड से आती हैं अन्नपूर्णा देवी, वो इस बार भी MOS एजुकेशन में थी, उनके भी मंत्री बनने की बात जो है वो भी सामने आई है, वो भी यहाँ इस बैठक में आ गई है। तो साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं, महिलाओं की बात करें, महिला प्रतिनिधित्व की बात करें, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरह से खासा जोर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं पर रहता है, निश्चित तौर पर यहाँ पर भी महिलाओं को जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अगर दो नाम हम उसमें खास तौर पर लें, कमलजीत सहरावत का, वो दिल्ली से जीती हैं, पिछली बार दिल्ली से जीती हुई थी मीनाक्षी लेखी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार जो है वो कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने टिकट दिया, कमलजीत सहरावत जीती हैं, उनके भी मंत्री बनने की जो बात है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, बीजेपी से झारखंड से आती हैं अन्नपूर्णा देवी को भी 2019 में मंत्री बनाया गया था और इस बार भी वो जो है वो मंत्री बनने जा रही हैं। जी बिल्कुल, मंत्री बने जा रही हूँ। और जाहिर से बात है कि छत्तीसगढ़ का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। एक तरफ जहां ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था, एक और सवाल है विनीत, क्या जेपी नड्डा का नाम भी मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है क्या? जी, बहुत संभावना है कि जेपी नड्डा जो है वो भी मंत्री बन सकते हैं। उनका कार्यकाल जो है इसी महीने के 30 तारीख को जो है वो खत्म हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा भी जो है वो इस बैठक में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर जेपी नड्डा जो है वो अगली मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल हो सकते हैं। मोदी ट्री में जो है वो जेपी नड्डा जो है वो शामिल हो सकते हैं। पहले भी हमने देखा था कि जेपी नड्डा मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उसके बाद जब अमित शाह जो है वो मंत्री बन गए थे, उसके बाद जो है उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन इस बार जो है वो जेपी नड्डा भी जो है वो इस बैठक में आए हैं और माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा भी जो है वो मंत्री पद का जो है वो शपथ लेंगे, मोदी थ्री के एक बड़े चेहरे के तौर पर जो है वो जेपी नड्डा शपथ लेंगे। अगर हम बात करें, पिछली बार जो है जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जेपी नड्डा ने काम किया था, और उसके बाद जब मोदी 2.0 बना था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अमित शाह के बाद जो है वो जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और अब जो है अब यह बात आ रही है कि जेपी नड्डा जो है वो मंत्री बन सकते हैं, वो भी इस वक्त हमारे पीछे, ठीक पीछे जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री का आवास है, वहां पर वो मौजूद है। जी बिल्कुल। अब विनीत, जब तक शाम नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी स्पष्ट हो पाना मुश्किल है। थोड़ा सा एक बार फिर से विस्तार में बताइए कि NDA यानी कि सरकार बनाने जा रही है, मंत्रियों के कौन, सांसदों को कौन से विभाग का मंत्री बनाया जाना है, ये स्पष्ट अभी तक हो नहीं पा रहा है। बीजेपी के जो सांसद हैं, कुल कितने बीजेपी सांसद होंगे जो कि मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, ये स्पष्ट करिए जरा अगर जानकारी हो तो। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बीजेपी सांसदों के बारे में बात करें तो जो हाई प्रोफाइल पोस्ट है, अगर हम CCS की बात करें तो CCS का जो मंत्रालय है वो सभी बीजेपी सांसदों के पास ही रहेगा। अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रहेगा, वित्त मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रहेगा, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें विदेश मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रहेगा, साथ ही साथ गृह मंत्रालय की भी अगर हम बात करें तो वो भी बीजेपी के पास रहेगा। तो जो महत्वपूर्ण जो की मंत्रालय है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं, वो सभी मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी बीजेपी के पास ही रहेगा। हालांकि जिस तरह से बात आ रही थी, सामने आ रही थी कि TDP की ओर से लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा जा रहा था, और लेकिन जो हमें बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो बीजेपी के पास रहेगा। इसके साथ ही साथ जो अगर हम बात करें TDP की जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का जो है वो पद दिया जा सकता है। अच्छा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट है वह जो है वह सहयोगी दल को दिया जा सकता है, JDU को
दिया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा है कि जेडीयू से हरवंश जो है वो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन रहे थे, तो बहुत संभावना है कि इस बार भी डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट जो है वो जेडीयू को दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि काफी हद तक संभावना है कि जो बड़े विभाग हैं, बड़े जो पद हैं, वो बीजेपी के सांसदों को दिए जा सकते हैं, और हो सकते हैं कि कुछ पुराने जो मंत्री हैं वो रिपीट भी हो जाएं। शुक्रिया आपका विनीत, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए सीटों के बंटवारे